जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव और ब्लॉक आरएसपुरा के गंडोली पंचायत के सरपंच सरदार गुरजीत सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की है कि ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की धान की फसल बुरी तरह से तबाह हो गई, उन किसानों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलने के साथ साथ उनके पूरे लोन माफ किए जाने चाहिए और उन्हें बिजली भी निःशुल्क दी जानी चाहिए। वहीं गुरदीप सिंह सैनी ने कहा, शनिवार सुबह हुई बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों की धान की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई और कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्जा लेकर अपनी फसल लगाई थी, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रखा है। वहीं मांझा सहित आदि पंचायतों का दौरा किया और पाया ओलावृष्टि के कारण किसानों की 100% धान की फसल तबाह हो गई है। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।